हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। हमारी मैथ्स की क्लास है। देखिए, मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, यानी कि सब्ट्रैक्ट मीन्स होता है घटाना, यानी कि माइनस करना। ये देखिए, ये क्या है, ये माइनस का साइन है, यानी कि सब्ट्रैक्ट का साइन है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ी डिजिट है उसमें से छोटे डिजिट को माइनस करेंगे, यानी कि ऊपर वाले से नीचे वाले को कम करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है एट, एट में से हम लोग फोर को माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये एट लिखा है तो एट के सामने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट लाइन खींचा मैंने। ठीक है, हमने और यहाँ पे क्या लिखा है फोर, इसमें से फोर लाइन को काट देंगे। ठीक है, वन टू थ्री फोर, अब कितने बचे यहाँ पे, वन टू थ्री फोर, कितनी लाइन बची यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बचा फोर, यानी कि एट में से फोर को माइनस किया तो फोर। हम लोग अपने फिंगर से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा है सिक्स, अब इसको हम लोग इरेज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है सिक्स, तो सिक्स के आगे हम लोग क्या करेंगे, सिक्स लाइन खींचते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब सिक्स में से थ्री को माइनस कर दिया, यानी कि काट दिया, वन टू थ्री, कितनी बची, वन टू थ्री, कितनी बची, थ्री, यानी कि सिक्स में से थ्री को माइनस किया तो कितना आया, थ्री। अब देखिए यहाँ पे लिखा है वन और नीचे भी लिखा है वन, अब वन के आगे हम लोग खींची वन लाइन, अब इसमें से क्या किया, वन को काट दिया, तो कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जीरो। ठीक है, वन में से वन को माइनस किया तो क्या किया, जीरो। अब देखिए यहाँ पे सेवन लिखा है, अब सेवन में से हम लोग क्या करेंगे, जीरो को माइनस करेंगे। अगर सेवन में से जीरो को माइनस किया तो मतलब कुछ भी नहीं माइनस किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सेवन। ठीक है, सेवन में से जीरो माइनस किया तो क्या आया, सेवन। अब यहाँ लिखा है फाइव, फाइव में से थ्री को माइनस किया तब कितना आया, देखिए थ्री फोर फाइव, यानी वन टू थ्री माइनस किया तो वन टू थ्री, अब कितना बचा, वन टू, यहाँ पे क्या आया, टू आया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा। अब देखिए यहाँ पे है नाइन, हम लोग क्या करेंगे, पहले नाइन लाइन खींचते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब नाइन में से थ्री को माइनस करना है, यानी कि थ्री को काट देंगे, वन टू थ्री, फिर कितना बचेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितना बचा, सिक्स लाइन। तो यहाँ पे लिखा है नाइन से थ्री को माइनस किया तो कितना आया, सिक्स आया। सभी को समझ में आ गया ना। फिर से देखिए, एट है, एट में से फोर को माइनस किया, फोर फाइव सिक्स सेवन, फोर को फोर माइनस किया यानी कि फाइव सिक्स सेवन एट, यानी कितना आया, फोर, यानी कि यहाँ पे फोर, एट में से फोर को माइनस किया तो फोर आया। अब सिक्स में से थ्री को माइनस किया तो थ्री आया, वन में से वन को माइनस करेंगे मतलब कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा जीरो। सेवन में से जीरो को माइनस किया तो मतलब जीरो को मतलब कुछ भी नहीं माइनस किया, यानी कि सेवन ही आएगा। फाइव में से थ्री माइनस किया तो टू आया, नाइन में से थ्री को माइनस किया तो सिक्स आया। ठीक है, सभी को समझ में आया। ओके, सब लोग इसे अपनी कॉपी में अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में इसको नोट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग होमवर्क नोट करते हैं। चलिए हम लोग होमवर्क नोट करते हैं। देखिए ये हमारा होमवर्क है, क्या है ये हमारा, एच डब्ल्यू, इसे आप लोग इसे होमवर्क नोट करेंगे। और होमवर्क में हम लोग करेंगे फोर में से माइनस को टू करेंगे। ठीक है, फोर में से टू माइनस करेंगे तो जो यहाँ पे आएगा उसको लिखेंगे। अब यहाँ एट में से थ्री माइनस करेंगे तो जो यहाँ पे आएगा उसको लिखेंगे। फाइव में से थ्री माइनस किया तो जो यहाँ पे आंसर आएगा उसको लिखेंगे। और नाइन में से वन माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, सब लोग इसे ध्यान से समझेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे और होमवर्क भी करेंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए।